लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ड्यूक 390 लेनी चाहिए या फिर ड्यूक 250। सो आज इस वीडियो में जो कंफ्यूजन है वो दूर करने वाला हूँ, इन डिटेल बहुत सारी आपको बातें बताने वाला हूँ इन बाइक्स के बारे में। इन डिटेल आपको रियल माइलेज बताने वाला हूँ, कितना आता है इन बाइक्स का, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा पावर आउटपुट है, हर एक बाइक को पालना कितना एक्सपेंसिव है, हर एक बाइक को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या प्राइस है, कितना आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा अगर आपको दोनों में से कोई भी बाइक ले जानी हो, और एंड में आपको जरूर बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी वाली बाइक ज्यादा अच्छी रहेगी आपके सुविधा के अनुसार, आपके यूज के हिसाब से। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहां पर जो है प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज प्राइस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कोई भी बाइक यहाँ पर खरीदने जाते होते हैं, बिकॉज हर कोई एक अपना बजट लेके जाता है जब भी वो बाइक लेने जा रहे होते हैं, तो प्राइस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं ड्यूक 250 के साथ। ड्यूक 250 का जो प्राइस आता है ऑलमोस्ट 2,90,000 रुपीज आता है। ऑन रोड जयपुर की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, 2,90,000 रुपए जो है यहाँ पर प्राइस आता है इसका ऑन रोड जयपुर। ड्यूक 390 के बारे में बात करते हैं, 3,88,000 रुपीज प्राइस आता है ऑन रोड जयपुर। 3,88,000 रुपीज जो है यहाँ पर आपको कोई भी आप कलर लो आपको सेम प्राइस यहाँ पर देना पड़ेगा। दोनों बाइक्स के अंदर जो है आपको काफी डिसेंट कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली आप कलर के बीच में चूज कर सकते हो, बट यहाँ पर जो दोनों कलर्स खड़े हैं ये दोनों इस बाइक के बेस्ट कलर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से ये दोनों बाइक्स के बेस्ट कलर्स है, ड्यूक 290 में ब्लू वन एंड ड्यूक 250 में दिस ऑरेंज एंड व्हाइट वन। बोथ द कलर्स आर सुपर सुपर अमेजिंग। यहाँ पर एक बार मैं वॉक अराउंड देता हूँ आपको दोनों बाइक्स का, अच्छे से आराम से आप देख लो कि कैसी दिखती है पहले पूरी बाइक्स, उसके बाद यहाँ पर जो है हम डिटेल में जाएंगे बाइक्स की। सो ये तो है ड्यूक 390 एंड दिस इज द ड्यूक 250। सो ड्यूक 250 कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। दोनों ही बाइक जो है लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज लेटेस्ट जनरेशन की है, KTM के द्वारा बनाई जाती है इंडियन मार्केट में। लुक्स जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, दूर से मैं आपको दिखाता हूँ, दूर से कुछ इस प्रकार से आपको बाइक का लुक देखने को मिलता है, बड़ा ही यहाँ पर मीन और एकदम शार्प लुक आता है दोनों ही बाइक्स का। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। सबसे पहली चीज ड्यूक 390 आपको थोड़ी सी एक ज्यादा बीफियर एक थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड लुक के साथ देखने को मिलेगी। ड्यूक 250 थोड़ा सा यहाँ पर स्लीक और कॉम्पैक्ट लुक के साथ देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 5 क्लिक एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम। इसके अंदर आपको जो है 5 क्लिक एडजस्टेबल रिबाउंड एंड डैम्पिंग नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है आपको DRLs थोड़ा सा अलग डिजाइन का देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से DRLs नहीं आती है बाइक के अंदर। दोनों ही बाइक्स के अंदर कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर आता है, LED इंडिकेटर्स आते हैं, यहाँ पर लिवर्स एडजस्टेबल आते हैं, यहाँ पर लिवर्स एडजस्टेबल नहीं आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि एक राइडर को बड़ा ही अच्छा लगता है। कंप्लीट कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्यूक 250 के बारे में तो इसके अंदर आपको नॉन कलर्ड LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से आती है नॉन कलर्ड LCD डिस्प्ले जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं साइड पैनलिंग, आपको कुछ इस प्रकार से डिफरेंट लुक के साथ देखने को मिलती है ड्यूक 390 के अंदर, वहीं ड्यूक 250 के अंदर आपको जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है साइड पैनलिंग। फ्यूल टैंक सेम कैपेसिटी का आता है, सेम डिजाइन का आता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। दोनों ही बाइक्स में USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, दोनों ही बाइक्स में यहाँ पर हेजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सीट हाइट दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंजन के बारे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 398 cc का इंजन आता है यहाँ पर, LC4C लेटेस्ट इंजन है यहाँ पर KTM के द्वारा जो बनाया जाता है। ऑलमोस्ट 25 km/L का बाइक माइलेज देती है, आराम से 170+ की टॉप स्पीड बाइक निकाल देती है। ड्यूक 250 के बारे में बात करें, 248.8 cc का इंजन आता है, सेम LC4C इंजन, लेटेस्ट डिजाइन लेटेस्ट टेक, ECU पूरा अपडेटेड है, बिल्कुल शानदार पावर आउटपुट है बाइक का। ऑलमोस्ट 30 km/L का बाइक माइलेज देती है एंड टॉप स्पीड के बारे में बात करें अप्रॉक्सीमेटली 145+ के आसपास टॉप स्पीड आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है दोनों बाइक्स के अंदर आपको ऑफसेट रियर सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, साथ में अंडरबेली एग्जॉस्ट सेटअप सेम आता है, स्विंग आर्म सेम डिजाइन का आता है। मैंने आपको बताया सीट का कंफर्ट, सीट की हाइट इज एग्जैक्टली द सेम। रियर टायर 150 सेक्शन का आता है दोनों ही बाइक्स के अंदर, 240 mm का डिस्क ब्रेक आता है बाइब्री के कैलिपर के साथ विद डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों ही बाइक्स में स्लिपर क्लच राइट बवायर थ्रॉटल देखने को मिलता है, दोनों ही बाइक्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है,
ड्यूक 390 के अंदर आता है क्विक शिफ्टर प्लस, इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं राइडिंग मोड्स, इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है कॉर्नरिंग एबीएस। यहाँ पर जो है ओवरऑल में बात करूँ तो दिस बाइक इज वेरी पावरफुल, मतलब अगर आपने ये बाइक नहीं चलाई है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चलाओ, आप फैन हो जाओगे बिकॉज दिस इज अ प्योर प्योर रॉकेट बाइक। देन ड्यूक 250 में बात करें, इसके अंदर क्विक शिफ्टर आपको देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, यहाँ पर राइडिंग मोड्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है, बट हाँ डिसेंट आपको जो है यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है, ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम आई मीन बहुत अच्छी है इस बाइक की वैसे बात करूँ। एंड यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस विद सुपर मोटो वाला फीचर दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, साथ में सेम टेल लाइट सेम इंडिकेटर शेयर करती है दोनों बाइक्स रियर से बिल्कुल सेम लगती है, दोनों बाइक्स आइडेंटिकल लगती है लिटरली, बाकी मेजर डिफरेंस फ्रंट से आपको पता लगता है। यहाँ पर ड्यूक 250 बेटर माइलेज देती है, ड्यूक 390 बेटर परफॉर्मेंस देती है, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक्स का ऑलमोस्ट सेम है, वेट जो है ड्यूक 390 का थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू ड्यूक 250, एंड पावर टू वेट रेशियो ड्यूक 390 का बेटर है बिकॉज इस बाइक की पावर बहुत ज्यादा है, इस बाइक के वेट के हिसाब से ड्यूक 250 का पावर टू वेट रेशियो काफी डिसेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि भाई कौन सी वाली बाइक आपके लिए बनी है, कौन सी वाली बाइक आपको लेनी चाहिए, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दोबारा से बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स के बारे में। सो देखो ड्यूक 390 की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूक 390 उन लोगों के लेनी चाहिए जो एक एक्सपीरियंस राइडर है, जिनको बाइक चलाते हुए टाइम हो चुका है काफ़ी टाइम से, जो इस बाइकिंग इंडस्ट्री में कहूँ या फिर बाइकिंग कल्चर के अंदर है, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस और पावरफुल इंजन है, ये एक ऐसा इंजन है जो कि एक बिगिनर शायद ईजिली हैंडल नहीं कर पाए। तो देखो अगर आप पहले 200 सीसी चलाते थे या फिर 250 सीसी चलाते थे या फिर 150 सीसी या 100 सीसी चलाते थे, ये बाइक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी बिकॉज परफॉर्मेंस शानदार है, पिकअप बहुत बढ़िया है, एक्सेलरेशन वही सेम चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग और प्रीमियम देखने को मिलता है। ये मैं लिटरली सबको कहता हूँ एक छोटी सुपर बाइक है, लिटरली ड्यूक 390 मेरे हिसाब से एक कॉम्पैक्ट सुपर बाइक मुझे लगती है पर्सनली। बाकी यहाँ पर जो है आपका बजट अगर अच्छा खासा है तो आप इस बाइक को ले सकते हैं, इस बाइक को खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, आप कम भी कर सकते हो बट डिपेंड्स ऑन कि आपका सिबिल स्कोर कितना अच्छा है, आपके फाइनेंसिस कितने अच्छे हैं। बाकी ड्यूक 250 मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है बिकॉज 2,90,000 रुपये में लिटरली पैकेज बहुत परफेक्ट पैकेज है, ये लिटरली उनके लिए बाइक है जिनको एक सेकेंडरी बाइक चाहिए अपने लिए, या फिर जिनको अपनी फर्स्ट बाइक चाहिए, या फिर जिनको अपग्रेड करना है 200 सीसी से या 100 सीसी से या 150 सीसी से, या फिर जिनको एक फन बाइक चाहिए सिटी में चलाने के लिए, एक सुपर बाइक अगर वो ओन करते हैं और उनको एक छोटी हल्की गाड़ी चाहिए सिटी में चलाने के लिए तो वो ही ले सकते हैं। अगर मैं ये बाइक लूंगा तो डेफिनेटली दिस विल बी माई सेकेंडरी बाइक, मैं इसको सिर्फ सिटी में चलाने के लिए, थोड़ा फन करने के लिए, हल्की गाड़ी है कहीं से भी निकल जाती है, सुपर बाइक वाला प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज अच्छा देता है, तो ये मैं बाइक डेफिनेटली उस काम के लिए लूंगा। बाकी अगर मेरी पर्सनल फर्स्ट बाइक होगी, मेरे पास बजट मेरा डिसेंट होगा तो मैं ये वाली बाइक लूंगा, एंड इस बाइक को खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट यहाँ पर जो है 70-80,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करना होगा, आप उससे कम भी कर सकते हो बट वही सेम चीज़ आपका फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सो डेफिनेटली इन दोनों बाइक्स में से देखो वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सीधे ड्यूक 390 के साथ जाओ बिकॉज ये बिल्कुल परफेक्ट बाइक होगी, बट अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके आप बात आप अपग्रेड वापस करना चाहते हो तो फिर आप ड्यूक 250 के साथ जा सकते हो। बाकी अगर मैं आपकी जगह होता तो अगर मैं अपने लिए फर्स्ट बाइक ले रहा होता तो मैं ड्यूक 390 के साथ जाता बिकॉज बाइक में सब चीज़ें आती हैं, बट अगर मैं अपने लिए दूसरी गाड़ी खरीद रहा होता तो मैं ड्यूक 250 के साथ जाता, या फिर अगर मैं अपने लिए एक ऐसी गाड़ी ले रहा होता जो मुझे कम पावरफुल ज़्यादा माइलेज और कंफर्ट अच्छा हो, मतलब हर एक चीज़ में बढ़िया हो, तो मैं ड्यूक 250 के साथ जाता। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।